नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम फ्रेश मैंगो का आइसक्रीम और चॉकलेट का आइसक्रीम बना रहे हैं। इसके लिए दोनों आइसक्रीम के लिए फैट वाला एक एक लीटर दूध उबाल के आधा करके शुगर डाल के हमने तैयार रखा है। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो GMS पाउडर, CMC पाउडर, कॉर्नफ्लोर, मैंगो, शुगर और मिल्क है। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए और सभी इंग्रेडिएंट्स सेम है। एक कोको पाउडर हमने मैंगो की जगह ऐड किया है। हाफ बाउल ठंडा दूध लेके 1/2 टेबल स्पून GMS पाउडर हम इसमें मिला रहे हैं। GMS पाउडर से हमारा आइसक्रीम सॉफ्ट बनता है। ये अच्छी तरह से लम्स ना रहे इसलिए इसको मिला रहे। हम ये तीनों पाउडर ठंडे दूध में ही अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अगर इसे हम डायरेक्ट गर्म दूध में डालेंगे तो उसमें लम्स रहने का चांसेस रहता है और इससे हमारा आइसक्रीम बिगड़ सकता है, इसीलिए इसको ठंडे दूध में ही मिक्स कर लेते हैं। अभी ये 1/4 टीस्पून CMC पाउडर है। इसकी जगह आप अल्गिनेट भी यूज़ कर सकते हो। CMC पाउडर से हमारा आइसक्रीम जल्दी मेल्ट नहीं होगा, मीन्स वो स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये भी अच्छी तरह से मिल गया। अभी हम कॉर्नफ्लोर 1.5 से 2 चम्मच लेके इसमें ही मिला रहे हैं। ये कॉर्नफ्लोर है वो दूध को गाढ़ा बनाता है और आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं फोम होने देता है। ये तीनों थिकनिंग एजेंट भी है। ये देखो हमारा अच्छा हो गया है। अभी ये उबलते दूध में हम मिला के थोड़ी देर उसको गट होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसमें हमारा 3 आम का जूस है। ठंडा होने के बाद ही ये मिला रहे हैं हम। ये गाढ़े दूध में हम ये मैंगो का जूस रस मिला रहे हैं। मैंगो का ऑरेंज कलर होने से इसमें बाहर से कोई कलर नहीं डालना पड़ेगा, उसका कलर नेचुरल ही बहुत अच्छा ऑरेंज येलो आ जाएगा। अभी हमने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर दूध में मिला के घट दूध में ही मिला के दूसरा उबला हुआ जो आधा किया हुआ दूध है, आधा लीटर ही है ये, उसमें हम मिला रहे हैं। कोको पाउडर से भी ये चॉकलेट आइसक्रीम का कलर नेचुरल ब्राउन ही आता है, उसमें भी और कलर डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम प्लास्टिक का या एल्यूमिनियम का एकदम पैक डब्बा है उसको ले लेते हैं और हमारा ये दोनों मैंगो का और चॉकलेट का जो मिक्सचर रेडी है वो उसमें फ्रीज में सेट करने के लिए हम भर लेते हैं। मैंने ये एल्यूमिनियम का मेरे पास पैक बॉक्स डब्बा है उसमें रखा है। अभी मैं इसको फ्रीज में सेट करने रख देती हूँ। 8 या 10 घंटे के बाद इसको हम निकालेंगे और इसको फिर चान करेंगे। 10 घंटे के बाद ये मैंने निकाल लिया है और देखो ये अभी थोड़ा कड़क लग रहा है, तो इसको पीसीस करके आपके पास अगर मिक्सर है तो उसमें या बीटर है तो आप उसमें इसको चर्न कर सकते हो। मैंने इसे मिक्सी में ही चर्न कर लिया है। चर्न करने के बाद ऐसी कंसिस्टेंसी रहेगी जिसको मैं प्लास्टिक के डब्बे में ये चॉकलेट आइसक्रीम सेट करने रख दूंगी।
ये कंटेनर में फिर से एक प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीजर में रख दूंगी। ये हमारा मैंगो आइसक्रीम, कलर भी इस दोनों का बहुत बढ़िया आया है, ये नेचुरल कलर ही है। वैसे सॉफ्ट भी है पर एक दो बार चर्न करने के बाद एकदम बाहर जैसा ही सॉफ्ट बन जाएगा। देखो ये भी चर्न करने के बाद ऐसा हो गया है। इसको मैं एल्यूमिनियम ने के डब्बे में ही फ्रिज में सेट कर लिया है। ये 8 घंटे के बाद मैं निकाल रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और टेस्टी, कलर भी इसका बहुत सुंदर निकल आया है और आइसक्रीम टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। ये मैंगो आइसक्रीम हमारा रेडी है। अभी हम चॉकलेट आइसक्रीम भी देख लेते हैं। ये भी एकदम रेडी है, ये भी बहुत सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को दोनों आइसक्रीम, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। देखो हमारा ये दोनों आइसक्रीम सर्विंग के लिए रेडी है। आप भी ये घर में जरूर बनाओ, गर्मी की मौसम है और सबको बहुत घर का बना हुआ आइसक्रीम पसंद आएगा। आप अपना व्यूज़ जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।